बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने दिल की तरफ से सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाजिर हो, हाजिर हो। बहुत सारी दुआओं के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश है, मेरा चैनल अपना भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को दबा लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जी दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने आपको दिखाया था कि गंदम की कटाई कैसे की जाती है। फिर उसके बाद हमने आपको दिखाया था गंदम कैसे इकट्ठी की जाती है। आज हम आपको दिखा रहे हैं गंदम कैसे निकाली जाती है थ्रेशर के जरिए हमारे इलाके में। तो चलिए आपको आज दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि गंदम इकट्ठी की हुई है, इसको हम पंजाबी में पेड़ कहते हैं। तो इधर से दो बंदे उठाते हैं और थ्रेशर तक लेके जाते हैं, वो भी आपको सारा दिखाते हैं। लेके गए हैं इधर, अभी वापस आते हैं तो आपको दिखाते हैं कि कैसे वो उठाते हैं और फ्रेश तक लेके जाते हैं। ये देखें, ये जिसको आप खोल रहे हैं, खोल के फिर उसको फ्रेश तक लेके जाएंगे। ये जी उठा ली, दो बंदों ने उठा ली। आप देख रहे हैं कि गंदम इधर ले आए हैं, वो जो ऊपर वाला बंदा खड़ा है वो गंदम को थ्रेशर के अंदर डाल रहा है बड़ी एहतियात के साथ। अगर थोड़ी सी भी हिलजुल हुई तो जानी नुकसान उस बंदे का हो सकता है, इसलिए उसको बड़े एहतियात के साथ किया जाता है। तुसी लेबर जो लेबर दे नाल हो, की मजदूरी चल रही लेबर दी? हाँ जी, इनका खाना पीना सारा कुछ यहीं पे होता है। साथ साथ आजकल जो है सीजन जो है गंदम का, ये तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। रात को भी चलती हैं थ्रेशर, दिन को भी चलती हैं। इसी तरीके आपके सामने काम हो रहा है, ये देखें चाय भी यहाँ पे आ रही है इनके लिए, खाना भी यहाँ पे आ रहा है। ये जो मजदूर तबका है तो ये भी तकरीबन पूरा एक साल इसी लालच में रहते हैं कि यार ये जो सीज़न है गंदम का ये आए तो उस पर ये काम करें। ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत दे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। ये देखें आपके सामने जान, अभी मौसम ठंडा है, इतनी गर्मी नहीं है, तो पसीना देख सकते हैं आप उनके जिस्म पे पसीना किस तरह आया हुआ है। सही मेहनत करने वाले, हलाल रिज्क कमाने वाले जो लोग हैं ना, वो ये हैं। ये देखिए आपके सामने कितना मुश्किल से ये काम किया जाता है। यार गरीब आप देखो यार, शहर में जो रहने वाले लोग हैं वो हमें, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको क्या कहते हैं? गंवार हैं, पेंडू, ठीक है, पेंडू कहते हैं। तो अब वो सोचें अगर इस कदर के जो वो खाना खाते हैं, जो रोटी खाते हैं, ये देखें ये सारे, अगर ये पेंडू ये गंवार ना हो तो उनके मुंह में लुकमा ना जाए कभी भी। ये देख लें आपके सामने, जो शहर में रहने वाले हैं खासकर, या जो दूसरी कंट्री में रहने वाले हैं वो लोग भी, ज़्यादातर जो विलेज में रहने वाले हैं ना, वो चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या किसी और कंट्री में, बहुत इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि मेहनत किस तरह करके ये अनाज जो हासिल किया जाता है गंदम और रोटी बनाई जाती है, ठीक है। तो अक्सर आप देखें इतनी मेहनत के बाद इनके हाथों को देखना, यार छाले बड़े होंगे इनके हाथों पर, ठीक है। तो कितनी मेहनत करते हैं और इनको रोजी कितनी, 1,000 रुपया 24 घंटे काम करने के बाद इनको मिलता है। और 24 घंटे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस वो जो खाने के लिए रेस्ट है ना, उसके अलावा और कोई रेस्ट नहीं। हाँ जी, ये रेस्ट कर रहे हैं, चार पांच बंदे मेरा ख्याल काम कर रहे होते हैं, 4-5 बंदे रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके तो जो शहर में रहने वाले थे ना, जिस तरह हम जाते हैं गाँव के लोग शहर में, तो बड़े शहरों में जाएं तो वो यार हमें देख पहचान जाते हैं ये पेंडू है, पेंडू समझ के वो ऐसी ठगी लगाते हैं ना, यकीन मानो। तो अब क्या गए आपको करके पैसे कैसे करके ले गए हैं, वो हमें गवार समझ के ना हमें जो है चूना लगाते हैं, सही है।
पर अगर वो ये समझे ना कि यार ये हमारा भाई कितनी मेहनत करने के बाद हम तक अनाज पहुंचाता है, हम तक गंदम पहुंचाता है जिसकी हम रोटी बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो एहसास अगर ये एहसास पैदा हो जाए ना यकीन मानो तो हर बंदा खुशहाल हो जाए, इनकी भी कुछ सुनाई हो जाए, इनको भी खाना मिले, अच्छा अच्छे कपड़े मिले इनको भी। पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर हम दोस्तों के साथ लाजमी कीजिएगा। जी नाजरी ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल अपना वीर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को दबा लें ताकि हमारी इस तरह की नई नई वीडियो आप तक हमेशा बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।